इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे चेकिया टी10 के दोस्तों आज के होने वाले मैच नंबर दोस्तों 1 के बारे में। दोस्तों आज का मैच नंबर 1 PCC और दोस्तों BCC टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा 12:45 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दोनों टीमों का दोस्तों अभी तक हेड टू हेड में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो दोस्तों कल के दिन जो लास्ट मैच दोनों टीमों ने आपस में खेला था भाई, उसमें तो BCC की टीम वन साइडेड विन कर गई थी। फर्स्ट बैटिंग करते हुए दोस्तों BCC की टीम ने मात्र 260+ स्कोर किया, जिसको PCC टीम का जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है ना, 6 ओवर में ही मैच खत्म कर गई और 10 विकेट से दोस्तों जो लास्ट मैच हुआ था PCC की टीम विन की थी। तो क्या दोस्तों आज भी आपको ऐसा दिख सकता है? अब देखो ये तो मैं 100% श्योर हूँ, 60 रन तो दोस्तों BCC की टीम आज नहीं मारेगी, मे बी इससे दोस्तों ज़्यादा ही स्कोर कर रही। लेकिन हाँ, ये बात भी हम लोग दोस्तों इग्नोर नहीं कर सकते कि PCC की टीम आज भी स्ट्रांग है और इस टूर्नामेंट की दोस्तों वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट टीम है, जो दोस्तों आराम से फाइनल ले जा सकती है। सिंपल मैं बोलूँ, अभी फाइनल मैच नहीं चल रहा है लेकिन फाइनल दोस्तों PCC की टीम ही जीतेगी, क्योंकि इनसे ज़्यादा कोई स्ट्रांग टीम है ही नहीं इस टूर्नामेंट में कि जो विन करे। तो आज के मैच में जो भी आप टीम बनाओगे, स्मॉल लीग का बनाओ या दोस्तों ग्रैंड लीग का बनाओ, कोशिश कीजिएगा 90% कॉम्बिनेशन PCC को ही टीम को फेवर करे और मैक्सिमम प्लेयर इनके ही आपके टीम में होने चाहिए। जो भी दोस्तों मैंने अभी आपको वीडियो में कॉम्बिनेशन रोटेशन प्रोवाइड किया है, दोस्तों यदि इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वीडियो को फोकस के साथ देखिएगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन आप बना लीजिएगा। कल दोस्तों हम लोगों ने सेम चीज़ यही किया था और बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को भी मिला था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो भी मैंने टीम वीडियो में दिया है, कोई भी दोस्तों उस टीम में चेंजेस करना होगा तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा फाइनल कॉम्बिनेशन ऐसे अपडेट करके टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूं। तो आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। अब बात करें दोस्तों हम लोग PCC और दोस्तों BCC के मैच में कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इस मैच का कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपरिंग सेक्शन से। विकेट कीपरिंग सेक्शन में आएगा तो दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा एस क्रोअर का, जो दोस्तों इस मैच के देखो तो एकमात्र ऐसे आपके लिए ऑप्शन है जिन्हें आप सभी कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हो, स्मॉली खेल रहे हो तब भी और दोस्तों GL खेल रहे हो तब भी। रीजन क्या है दोस्तों, सभी मैच में ओपन बैटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे इनका परफॉर्मेंस रहा है अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। फिर सेकेंड ऑप्शन दोस्तों आपको मिलेगा ए खेती वाला, जो दोस्तों लास्ट 2 मैच से खेल नहीं रहे। कल के दिन दोस्तों PCC की टीम 2 मैच खेली थी, दोनों मैच में दोस्तों ये प्ले नहीं किए थे, इसलिए अभी आप इन्हें इग्नोर करके ही चलो। खेले तो दोस्तों आप 2 विकेटकीपर को ट्राई कर सकते हो, तब करना जब दोस्तों ये ओपन बैटिंग करने आए। यदि दोस्तों इनका टॉप ऑर्डर में नाम नहीं रहता है तो फिर आप इन्हें इग्नोर करके चल सकते हो, क्योंकि नीचे बैटिंग करने आएंगे तो दोस्तों इनको बैटिंग मिलने वाला नहीं है, क्योंकि PCC का जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब बात करें दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्शन, तो आर तोमर आपके लिए सभी कॉम्बिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 ओवर बॉलिंग भी करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने भी आ जाते हैं, और इनका परफॉर्मेंस कल के दिन या दोस्तों पूरे टूर्नामेंट में देखो लाजवाब रहा है। फिर नीचे आएगा दोस्तों एन लाला का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों लास्ट 2 मैच से खेल नहीं रहे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान आपको रखना पड़ेगा, एन लाला यदि खेलते तो हम लोग को गलती से भी इन्हें अपने टीम से आउट नहीं करना है, नहीं खेलेंगे तो फिर दोस्तों कोई चांस ही नहीं है टीम में रखने का, तो इसलिए मैं अभी टीम में नहीं रख रहा हूँ। बट यदि आपको प्लेइंग 11 में दिख जाए टीम में रख लेना, बिकॉज दोस्तों यदि ये खेलेंगे तो ओपन बैटिंग करेंगे, साथ ही साथ आपको 2 ओवर बॉलिंग करके देंगे, डैट मीन्स एक ऑलराउंडर प्लेयर है, परफॉर्मेंस इनका भी पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन रहा है। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको एस मुख्तार का ऑप्शन मिलेगा, जो आपको 2 ओवर प्रॉपर बॉलिंग करके देंगे, अच्छे बॉलर है दोस्तों, ठीक ना, टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। बैटिंग से मैं बहुत ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बैटिंग न के बराबर करते, एज अ बॉलर दोस्तों मैं इन्हें टीम में रख रहा हूँ। फिर नीचे दोस्तों आपको जेड महमूद का ऑप्शन मिलेगा, जेड महमूद यार एक T10 का प्लेयर है या टेस्ट का प्लेयर है, कल बंदे ने दोस्तों 3 मैच खेला, ठीक ना, इसी टूर्नामेंट में। फर्स्ट मैच में दोस्तों 17 बॉल में इन्होंने 2 रन का स्कोर किया, दोस्तों T10 जैसे टूर्नामेंट में यदि कोई प्लेयर 17 बॉल में 2 रन स्कोर करे
सेकेंड मैच में भी कुछ ऐसा ही हाल था। सेकेंड मैच में बंदे ने दोस्तों आपको वही दो एक से दो रन स्कोर किए थे 5 से 6 बॉल में, और लास्ट मैच भी दोस्तों इनका एवरेज ही रहा था। तो देखो ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, आपको ओपन नहीं तो फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे। मैं यहाँ पे आपको क्या रिकमेंड करूँगा, यदि आप रिक्स ले सकते हो तो नीचे से जेड मम्मू से बेटर ऑप्शन मेरे को एम उड्रल का रहा है, क्योंकि लास्ट मैच में बंदे ने ओपन बैटिंग किया और आपको 240 से स्कोर करके गए, और वो भी दोस्तों मात्र 20 से 25 बॉल में। तो यदि रिक्स ले सकते हो 14% सिलेक्शन जा रहा है, बढ़िया ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। तो इस प्लेयर पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना, आपके लिए एक बेस्ट और रोटेसिंग ऑप्शन बन सकते हैं। नीचे से एक और मैं ऑप्शन शेयर करना चाहूँगा जी सिंह का। जी सिंह दोस्तों अभी तक टूर्नामेंट में 3 मैच खेले हैं। फर्स्ट मैच में 1 ओवर बॉलिंग मिला, 1 विकेट प्रोवाइड किए। सेकेंड मैच में इनको बॉलिंग का चांस मिला नहीं क्योंकि इनकी टीम दोस्तों 5 ही ओवर में मैच लॉस कर गई थी। बट थर्ड मैच में भी दोस्तों जी सिंह को ना बॉलिंग का चांस नहीं दिया गया, और अच्छा बॉलर है दोस्तों, बहुत बेहतरीन बॉलर है। यदि बॉलिंग करते हैं तो आपको विकेट प्रोवाइड करके जाएगा। तो 10% इनका भी सिलेक्शन है दोस्तों, ये भी आपके लिए रोटेशन का काम बन सकते हैं और आपके लिए गेम चेंजर भी बन सकते हैं। अब बात करें दोस्तों हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन, तो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपको एस देविक्रम मिलेगा, जो दोस्तों आपके लिए सभी कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट है। कैप्टन भी कर सकते हो क्योंकि लास्ट 2 मैच से ओपन बैटिंग करने आ रहे हैं और 2 ओवर आपको बॉलिंग करके दे रहे हैं। लास्ट 2 मैच में दोस्तों एन लाला नहीं खेले इसलिए दोस्तों इनको ओपन करने का चांस मिल रहा है। फिर नीचे दोस्तों आपको एस बुयान का ऑप्शन मिलेगा। एस बुयान का दोस्तों ध्यान रखना, कल चोट की वजह से ये बॉलिंग नहीं कर रहे थे, ठीक ना, लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको ओपन बैटिंग करने अभी भी आ रहे हैं, और यदि मे बी आज के दिन दोस्तों यदि इनका सही हो गया होगा, हैमस्ट्रिंग में थोड़ा सा कल प्रॉब्लम था, तो आज आपको बॉलिंग भी करते हुए दिख सकते हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको विक्रमा सिंघे का ऑप्शन मिलेगा, ये भी लास्ट 2 मैच से दोस्तों खेल नहीं रहे इसलिए इनका भी सिलेक्शन 46 आपको दिख रहा है, लेकिन खेलेंगे दोस्तों तो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, ठीक ना। फिर नीचे का जे इकबाल को मैं टीम में रख रहा हूँ। जे इकबाल को रखने का सिंपल सा रीजन क्या है, 2 ओवर आपको पावर प्ले में बॉलिंग करके देंगे, बेहतरीन बॉलर है दोस्तों, टप्पा इनका बहुत अच्छा रहता है, हमेशा दोस्तों यॉर्कर लेंथ बॉलिंग करते हैं जिससे बैट्समैन मिस होता है, तो LPW बोल्ड इनके बॉल पर बहुत होता है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको जेड अजीम का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों 3 से 4 नंबर पे आके बैटिंग भी प्रोवाइड कर देंगे और आपको 2 ओवर बॉलिंग भी करके देते हैं। जो लास्ट मैच इन्होंने खेला था दोस्तों PCC के अगेंस्ट, उसमें दोस्तों अपने टीम के लिए सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर बैट्समैन यही थे। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको ए अशोकन का ऑप्शन मिलेगा। अशोकन भी दोस्तों लास्ट 2 मैच से खेल नहीं रहे इसी वजह से इनका सिलेक्शन दोस्तों मात्र 7% आपको दिख रहा है, लेकिन दोस्तों इन्होंने जितना भी मैच खेला है टूर्नामेंट में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, तो खेलेंगे तो दोस्तों आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पिक में से एक रहेंगे। और यदि ये खेलते तो आप क्या करना, ऊपर जो मैंने जेड अजीम को टीम में रखा है ना, आप इनको तुरंत ड्रॉप करना और इन्हें आप टीम में रख लेना। फिर नीचे आएगा दोस्तों के भरद्वाज, दोस्तों लास्ट 2 मैच से ओपन बैटिंग करने आएंगे तो इसलिए दोस्तों मैं इन्हें बैक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है दोस्तों देखो यदि ए अशोकन या दोस्तों विक्रमा सिंघे या इधर से एन लाला, ये तीनों में से दोस्तों कोई भी प्लेयर खेलता है तो दोस्तों ध्यान रखना, जो मैंने नीचे अभी ऑप्शन आपको बताया था के भरद्वाज, ये दोस्तों ओपन बैटिंग नहीं करेगा, ठीक ना। तो यदि वो तीनों में से कोई खेलता है इनको आप ड्रॉप करना, उनको आप पिक कर लेना। यदि तीनों में से कोई ना खेले तो फिर दोस्तों आपको इनको रख लेना है क्योंकि ओपन बैटिंग करने आएंगे फिर से। एफ नूरी दोस्तों लास्ट 5 मैच से नहीं खेल रहे, इग्नोर करके चलो। आरबिस दोस्तों आपको 2 ओवर बॉलिंग करेंगे लेकिन दोस्तों बॉलिंग से इनका कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। केमेंडोन दोस्तों आपको 4 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, GL में कंसिडर करना क्योंकि बैटिंग दोस्तों इनको मिल नहीं पा रहा है और मैच भी काफ़ी कम खेले हैं। अब बात करें बॉलिंग सेक्शन, तो दोस्तों एन पद्मराजू जो दोस्तों लास्ट 2 मैच से ये भी नहीं खेल रहे इसी वजह से इनका 36% सिलेक्शन है, लेकिन खेलते दोस्तों तो आपके लिए डेफिनेटली मस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, ठीक ना, खेले तो ड्रॉप मत करना। नीचे दोस्तों के सिंह, यदि BCC की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है तो आप कंसीडर कर सकते हो, बॉलिंग सेकेंड में दोस्तों इनको चांस नहीं मिलेगा। कल भी दोस्तों जो हम लोगों ने मैच देखा था जब दोनों टीम आपस में खेली थी उसमें भी दोस्तों सेम ऐसा ही हुआ था, सेकेंड बैटिंग दोस्तों PCC की टीम की और दोस्तों इनका चांस नहीं मिला बॉलिंग से। फिर नीचे दोस्तों आपको आर दशमनी को टीम में रखना है, नीचे से एस बास्ते को टीम में रखना है। मैच दोस्तों इन्होंने बहुत ही कम खेला है, सिर्फ 2 ही मैच खेला है बट दोनों मैच में आउटस्टैंडिंग इनका परफॉर्मेंस रहा है। फिर नीचे से दोस्तों एस का कारिया खेले तभी दोस्तों GL में ट्राई करना, मैं लास्ट ऑप्शन नीचे से एस पटेल को टीम में रख रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, यदि ऊपर से दोस्तों एन पद्मराजू खेलते हैं तो आप इन्हें टीम में रख लेना, एस पटेल को ड्रॉप कर देना। यदि वो नहीं खेलते हैं तो दोस्तों मैं एस पटेल पे रिक्स लेने वाला हूँ, 11% सिलेक्शन है लेकिन आपको 2 ओवर 100% सियोर रखिए कि बॉलिंग करके जाएगा।
ठीक ना, तो इसलिए मैं इन्हें अपने टीम में बैक कर रहा हूँ। अब बात करें दोस्तों इस मैच से रिलेटेड हम लोग कैप्टन बी सी ऑप्शन, तो दोस्तों मैं अभी के लिए कैप्टन एस देवसी और वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने आर तोमर को किया है। अब देखो जनता आर तोमर को कैप्टन करिए, आप भी करना चाहते हो कैप्टन कर सकते हो और वाइस कैप्टन इन्हें कर सकते हो। मैं क्यों ऐसा किया हूँ मैं वो भी आपको समझाता हूँ। दोस्तों देखो एस देवसी ओपन बैटिंग के साथ साथ दो ओवर बॉलिंग कर रहा है और आर तोमर फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आ रहे हैं और दो ओवर आपको देखो तो बॉलिंग कर रहे हैं, तो चांस दोस्तों सबसे ज़्यादा किसके पास है कि आपको सबसे ज़्यादा फैंटेसी दे सकता है, तो दोस्तों एस देवसी। मान के चलो दोस्तों कल का जैसा हम लोगों ने देखा जब दोनों टीम आपस में खेली थी, पीसीसी की टीम दोस्तों 10 विकेट से मैच विन कर रही थी, तो ऐसे में क्या हुआ कि आर तोमर को बैटिंग करने का चांस नहीं मिला और एस देवसी दोस्तों क्योंकि ओपन बैटिंग करने आए तो दोस्तों बैटिंग भी कर दी और दो ओवर बॉलिंग भी कर दिए, तो इसी वजह से मैंने इनको कैप्टन किया। बट आप लोग रिवर्स कर सकते हो और भी ऑप्शन देखे तो एस बुनिया यदि बॉलिंग करता है तो एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा, बॉलिंग नहीं करेगा तो फिर दोस्तों एवरेज होगा। के लिए दोस्तों ये टीम मेरा फाइनल टीम है, आप सभी दोस्त इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। टस के बाद दोस्तों यदि इस टीम में सभी प्लेयर खेलते हैं तो फिर आप इसके साथ चले जाइएगा, ठीक ना। तो मैं कोई भी फाइनल टीम अपडेट नहीं करके आपको टेलीग्राम पे दूंगा, यदि कोई प्लेयर अब्सेंट हो जाते फिर मैं आपको फाइनल कॉम्बिनेशन अपडेट करके टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। नेक्स्ट टीटेन का वीडियो दोस्तों हम लोग का आज का इसी टूर्नामेंट का मैच नंबर 2 का रहेगा, तो मिस नहीं कीजिएगा, ठीक ना। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टीटेन के वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।